सरकार किसी का खिलाफ नहीं है खास करके ये गरीबों का खिलाफ नहीं है जूता था प्लास्टिक चीज़ें था इतना स्पीड से आँख पक रहा है जब वाटर पानी ऊपर से स्प्रे किया था वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था वी आर हेयर एट नाहगन ट्वीन कैपिटल सिटी ऑफ कैपिटल ईटानगर एंड टूडे इन एन अनफॉर्चुनेट फायर इंसिडेंट मोर देन सेवन हंड्रेड शॉप्स हैज़ बीन बर्न डाउन इन टू ऐसे इन डेली मार्केट ऑफ नाहलगन एंड नाउ विद मेयर ऑफ इटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तामे फासंग तो सर हम जानेंगे अभी एक ब्लेम आ रहा है कि फायर ब्रिगेड सामने है दस मीटर भी नहीं है लेकिन आग को बुझाया नहीं गया तीन बजे से आग लगी सकती ये जो वैसे फायर एक्सीडेंट होता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अब की बार में जो फायर एक्सीडेंट हुआ मैं अपना मेयर नहीं बोल के वो मेरा ही अपना वार्ड पड़ता है वार्ड नंबर सेवेंटीन का अंदर वो एरिया आता है तो हमने जांच पड़ताल जो है एकदम अंदर से मैंने जाके सुबह चारों कोने से मैंने जांच पड़ताल किया है वहाँ पे ये आज जहाँ एक बहुत बड़ा दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये हमारा राजधानी अरुणाचल का राजधानी ट्विन कैपिटल सिटी के लिए ये एक इतिहासिक जगह है ये वो मार्केट है जब कोई भी मार्केट नहीं आने से पहले ये सारा इटानगर का वासियों को कैटरिंग किया है ये बहुत बड़ा दुखद खबर है और बहुत बड़ा मात्रा में नुकसान हुआ मैं आपको बता दूं इसको चलते मैंने आज सुबह भी सारा अरुणाचल का जनता को मैं दिल से मैंने आह्वान किया है देखिए इस दुखद का गरीब में जी कुछ भी रहा नहीं गया खास करके जो हमारा ट्रेडर्स था वो बहुत पुराना पुराना ट्रेडर्स था इसलिए ऐसा समय में दुर्घटनाग्रस्त हुआ तीन बज के पैंतालीस चालीस मिनट से ले अभी तक आँख जल रही है तो किसी ने कुछ बचा नहीं पाया क्योंकि समय जो है ऐसा नॉर्मल समय माना जाएगा क्योंकि कोई आदमी मतलब लगभग तब सब सोया ही रहता है तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये कि इतना बड़ा दुर्घटना ग्रस्त हुआ बहुत बड़ा नुकसान हुआ भारी मात्रा में हुआ मैं आपका माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ मैं आप सबको मैं ये आ, 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 अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही जल्दी अपना जो बिजनेस ट्रेडर्स है वो भी छोटा लेवल का छोटा छोटा गरीब लोग जो मार्केट में आया है किसी का कुछ नहीं बचा है सब जल के राख बन गया सब खाक बन गया ऐसे करके हम लोग एक कमिटी गठन करेंगे आगे जाके हम लोग इसको पूरा विस्तार से हम लोग जानकारी लेंगे और दूसरी बात आपने जो फायर ब्रिगेड बैकअप का बात किया पुलिस पर्सनल का बात किया आप सबको पता है बस तीन मीटर का दूरी में तीन मीटर एक बीच में एक सड़क रह गया उसका अगले भाग में फायर सर्विस वाला है और इधर हमारा मार्केट है दूसरा पुलिस स्टेशन भी लगा हुआ है फिर भी देखिए इंसिडेंट तो हमेशा इंसिडेंट होता है तो हम कुछ भी बोलने से पहले और आपको हम आप कर देगा ये सुबह हम लोग ने डीसी से और सारा प्रशासन का सिस्टम से एसपी जो है वह लगा रहा हम लोग एक जल्दी जल्दी ये देखिए दुखत की गर्मी में हम खास करके जो विक्टिम्स को हमारा वहाँ का जो आने अब लोग हैं नॉन ट्रेवल से, ट्रेवल से, सब वो जो विक्टिम्स को जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ वो लोग को हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि इस घड़ी में दिल बरा करके थोड़ा सा कलेजा बरा करके सामने करने का है हम लोग प्रशासन का तरफ से हमारा पहला कदम हम लोग ने बढ़ाया अभी जिसका किसी किसी का ऐसा है कि बिल्कुल ही घर बार जल गया उसी का अंदर में उसका आसन था आशियाना था वही बिजनेस था वहीं ऐसा करके कुछ अंदर में ही जो रहता था उन लोगों के लिए हम लोग एक अलग सुविस्ता व्यवस्था किया है अपना जो गवर्नमेंट स्कूल कंकर नाला को हम लोग ने उसको एयरमार्क कर दिया वहाँ में आपका जो हो सकेगा खाना पहनना और जो कपड़ा है हम लोग उसका मदद करेगा और खाना पीना सारा फिर उसका उस जिस किसी का वो अंदर था उसका नियर एंड डियर जो भी रिलेटिव है जैसे भी है इसका अपना हम लोग टीम बनाया वहाँ में हम लोग इमीडिएट रिलीफ़ सेल्टरिंग के लिए दे रहे हैं दूसरा रिलीफ हम लोग क्योंकि ये बहुत बड़ा मात्रा में है हमको पता चला अभी मैं अपना डिजस्टर वालों से भी चर्चा किया सात आठ सौ का मात्रा में बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है इसलिए क्योंकि ये पुराना मार्केट है इसलिए नंबर्स ज़्यादा है हम लोगों ने इमीडिएटली चलने के लिए अभी डीसी ऑफिस का ओर से हम लोग ने एक रिलीफ का कैश व्यवस्था किया है वो थ्री थाउजेंड से लेके फाइव थाउजेंड का अभी लीज बन रहा है हम विक्टिम्स को यही आपका माध्यम से रिक्वेस्ट करिएगा अभी जो लीस बन रहा है कोई छूट ना जाए जिसका नुकसान हुआ ये बहुत ज़रूरी है प्रेस वालों को बताना जिसका भी नुकसान हुआ अभी दिल दिमाग को ज़्यादा टेंशन ज़्यादा आप तकलीफ में नहीं हो के वो जो लीस बना रहा है उसमें ऐसा है मिस्टर बॉमजन हमारा ए डी का और कंसर्न ये जो है अपना लिखा रहा वहीं स्टेशन में अभी मैं भी वहाँ बारी बारी जा रहा हूँ अभी कुछ समय का बाद मुझे फिर वहाँ दौरा करना पड़ेगा जाएंगे सबको मैं सपोर्ट करेंगे दूसरा जो है मोरमी दोदम जी जो रिलीफ का ऑफिसर है वो सारा वहाँ तैनात है सिस्टम के साथ और अपना ईटानगर म्यूनिसपल कॉरपोरेसन की ओर से जिस किसी ने भी हमारा तरों से वहाँ लाइसेंस बनाया जिसका नहीं भी बना है बजर कमेटी को भी हमने प्रेस किया वो लोग सारा लिस बनाना है आज का तारीख में और अभी का समय में मेरा ये मानना है कि जो हो गया सो हो गया एक बार दुखद जरूर है लेकिन अभी हमको क्या करना चाहिए वो कर रहा है और दूसरा हम एक जोरदार अपील करना चाहूँगा हमारा जो अरुणाचल का फाइनेंस मिनिस्टर है ये देखिए बहुत वरिष्ठ नेता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मिनसार वो हमेशा से साथ देते आया है और आज का तारीख में अभी स्टेशन में है हमारा डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा कांदू जी को दोनों से हम कॉरपोरेटर कंसर्न कॉरपोरेटर होने के नाते और इतना ऐतिहासिक हेवी हेवी लॉस्ट इन दिस नथिंग हैज़ लेफ्ट आउट एवरीथिंग इज गटेड इन टू फायर तो ये इतना बड़ा इशू को ये क्योंकि नॉर्मल इशू होता है दो चार जलता है कहीं में कुछ आसरा होता है जवाब देने वाला मदद करने वाला होता है एक दूसरों को वो अलग इशू है इसमें हजारों का संख्या में जिसका प्रॉपर्टी जल गया एक दूसरा को कहाँ हेल्प करेगा तो ऐसा समय में हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और डेप्टी चीफ मिनिस्टर को हम एक स्पेशल अपील करना चाहेगा सर आप लोग एक कमिटी गठन करके हमारा यहाँ में द टॉप डीसी है एसपी प्रशासन है हम लोग भी काम करेंगे आप एक कमेटी गठन करके सबका भरपाई तो नहीं कर पाएगा फिर भी सरकार से जो हो सकता है हम लोग भी अभी एनालिसिस कर रहे हैं अब लोग लिस्ट आउट करेंगे धीरे धीरे सबको संभालने का कोशिश करेंगे मेन स्ट्रीम में आना है अभी जो मैंने सारा पब्लिक को खास करके वो तीन चार मीटिंग करके आया वो औरत लोग बहुत गुस्सा है जिसका कंप्लीटली जल गया जल गया लोकल का सामान जो सामान सर शरीर का कपड़ा रह गया वो लोग बहुत गुस्सा हो रहा है अभी हम दोबारा जाके वो लोग को संतौना देंगे अब मीडिया वाला भी वो लोगों को संतौना दीजिए जो हो गया हो गया दूसरा आपका जो एक छोटा सा सवाल जो छूट गया पुलिस वाला को देखिए पुलिस वाला को भी हमने बारीकी से सुबह तहक़ीक़त किया है बारीकी से तहकीक़त यह है कि बिल्डिंग बनने के वजह से देट बिल्डिंग इज़ कमिंग अप इंटायर सिस्टम आई मीन आई मीन दिन सिस्टम इन देंस जो ऑफिस कार्यकर्ता लोग जो रहना है पुलिस ऑफिसर जो रहना है बिल्डिंग का इस तरीके का बिल्डिंग आ रहा है अदरवाइज जो सुविस्ता होता है फॉर फायर का सिस्टम को बेकअप करने के लिए टंकी होता है पानी होता है वो उसमें वहाँ पर नहीं हैवर्मेंट दैट इट्स अंस्पिरेसी टू वैकेट द लैंड बिकॉज उनको कोई ऑर्डर मिला 25 को आप लोग सब खाली करिए हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो कई डोइलर्स हैं जो लोकल वुमेन है वो सब कह रही कि ये साजिश है और जान मुझ के इसको जलवाया गया इतना तक वो कह रहे हैं जी जी नहीं ये उन्होंने बहुत लेडी ने मुझे भी बताया कि ये एक साजिश का तहत हुआ है देखिए ये दुर्घटना ग्रस वो लोग दुखी जरूर है हम उन लोगों को भी अपील करना चाहेंगे सरकार किसी का खिलाफ नहीं है ख़ास करके ये गरीबों का खिलाफ़ नहीं है मार्केट आपने जो बोला है वो डोईलर्स का खिलाफ नहीं है उन लोगों को जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि आज का तारीख में एक डेट दिया था वेकेट करने के लिए वो मैंने अभी अभी ये सी नाहर लगन से उससे भी मीटिंग किया खबर मुझे भी मिला ऐसा कुछ डेट आज नहीं था जो भी हो इंसिडेंट इंसिडेंट ये देखिए दुर्घटना जब होता है ये जो कोई कुछ नहीं कर सकता है लेकिन जो हो गया हो गया आगे हम लोगों को क्या करना है वो सोचना है एक अच्छा बात यह है कि खुशी का बात नहीं है हम क्लियर कर दे रहे हैं अच्छा बात यह है कि किसी का लाइफ नुकसान नहीं हुआ लकीली जब जब वो बर्निंग जब वो आँख जलना शुरू किया तो काफ़ी समय दिया और आपको वो पता है वो जैसे दिल्ली बम्बे में भी हम लोगों का जो मार्केट होता है उसमें सेट्स है आप इसको क्लियर कर देता है जब आँख जलता है तो उधर आदमी मैन का स्पेस रखा है वो भी शेडेड है सीझे सीट से हम लोग शेडिंग किया हुआ है तो अंदर से आग पक रहा है तो उसमें आग जलने वाला का सामान क्या था आपको पता है जूता था प्लास्टिक चीज़ें था इतना स्पीड से आँख पकड़ा है जब वाटर पानी ऊपर से स्प्रे किया था वो पेनीट्रेट नहीं कर पा रहा था और जो हम लोग का पुराना नियम आजकल का वो मॉडर्न ताला नहीं था रोड का लंबा लंबा करके ताला हम लोग तो क्योंकि मार्केट का लीडर है इसलिए सब मालूम है चार पांच ताला लगा हुआ कुंडी पटापट पत नहीं खुल पा रहा है तो आग बहुत जोर से जला हुआ है लेकिन पूरा तीना से कवर रहे ऊपर पानी फेर रहा है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा सा नंबर्स में कम था इमीडिएटली इटानगर फायर वाला को खबर किया मेरा यह मानना है कि देखिए एक अपना को हम लोग बयानबाजी नहीं करके झगड़ा नहीं करके जो जो दुखद हुआ जिसका नुकसान हुआ उसको भरपाई कैसा करना है सरकार को कैसे हम लोग रिक्वेस्ट करेगा प्रशासन को कैसे और हम लोग इंडिविजुअल भी मदद करना मैं एज ए कॉरपोरेटर वहाँ का कंसर्न लीडर होने के नाते ये मार्केट जो है आपका सिटी को शुरू से कैटरिंग करके आया अभी आपका बारी है हम लोग डोनेशन मांगेंगे वॉल्ट्रेली आके मदद करिए हमारा दुखद का गरीब में आपका थ्रा आह्वान कर रहा है हेल्प कराइए आप भी बोल दीजिए बंदरद्वा से लेके कर इटानगर तक हमको इस पर मदद करिए